और हमें मिक्स कर दूँगा। अरे कहना क्या चाहते हो? यह है पुदीना, पुदीना। अरे तो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हेलो दोस्तों, ये आज का ब्लॉग है मेरा जंगली का स्वर बेंगलोर में। पहले बार आज जंगल का स्वर का मित मैं बनाने वाला हूँ चकमा स्टाइल से। तो अभी मैं हाफ किलो अभी इसको धोने वाला हूँ मैं इधर। इससे इसका साथ मिक्स करके बनाने वाला हूँ चकमा ट्राइब। हम लोग चकमा लोग जैसे बनाते हैं स्वर का मित, तो इसको बोलते हैं हम लोग गोरे हुजू, हिंदी में कुछ चू बोलते हैं। तो बने रहे मेरा वीडियो के साथ। फाइनली गाइस मैं दो सूखा हूँ या पूरा अच्छा से पूरा क्लीन किया, अभी उसके बाद फिर मेरे को तो इस तरफ चिल रहा है मेरा अभी भी कुछ जो आप लोगों को दिखाया स्वर का मीत का साथ जो मिक्स करके बनाएंगे हम लोग, इसको छिल रहा है अभी। तो अभी मैं इसको अभी वॉश करूँगा अच्छा से, उसके बाद बनाने का तैयारी करेंगे। तो बने रहे। तो अभी मैं कुछ को भी अच्छा से धो लेगा, उसके बाद ये रेडी करेंगे हम लोग जंगली का स्वर का मित बनाने के लिए। तो फाइनली इधर रेडी हो चुका है। तो अभी एक के साथ में मिक्स करूँगा मित का साथ, पहले मसाला नमक सब वगैरह। तो मैं अभी नमक डाल रहा हूँ, फिर थोड़ा सा हल्दी, फिर डाल रहा हूँ मैं एक चम्मच मिर्ची की पाउडर, एक चम्मच जिंजर और गार्लिक पेस्ट, उसके बाद मैं मिक्स करूँगा। तो मसाला वगैरह मिक्स कर चुका हूँ अभी, फिर पकाने के लिए तैयार करेंगे। तो अभी कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं इसका ऊपर अभी ऑयल डाल लूँगा। तो अभी ऑयल गर्म हो चुका है, मैं डाल लूँगा प्याज। प्याज होने के बाद मैं मीट का मीट को डाल लूँगा। प्याज भी हो चुका है, अभी मैं डाल लूँगा सूर का मीट। तो पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया, अभी मैं इसको तुरंत 10 मिनट तक मैं हीट करके रखूँगा तो इसको ढक के रखेगा। तो मैं चावल का मीट किस तरह बना रहा हूँ, फिर आगे चावल पकाना पड़ेगा। चावल का मैं अच्छे से बस कर रहा हूँ, तो उसके बाद चावल भी बनाना पड़ेगा। तो अभी चावल को पकाने के लिए मैं कुकर का ढक्कन भी लगा दूँगा। तो अभी मैं गैस को ऑन करता हूँ, आग को जलाने के बाद गैस अभी मैं इसका ऊपर डालूँगा। ये अभी खाना भी इस तरफ पक जाएगा और इस तरफ सर खाने। तो अभी डाल लिया कुछ भी इधर, तो इसको मिक्स करने के बाद मैं 15-20 मिनट तक हीट करके रखूँगा। तो अभी मैं हल्का सा पानी दिया हूँ, तो इतना ही पानी से मैं अभी इसको पकाऊँगा 20-15 मिनट तक। तो इसका ऊपर ढक्कन नहीं है, इसको ढकने के लिए तो मैं प्लेट डाल के अभी रखूँगा
20-15 मिनट तक, उसके बाद हो जाएगा मेरा जंगली का स्वर कमी। तो अभी 15 मिनट हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा देखता हूँ कैसा हो गया। अभी होने वाला हो गया रेडी। तो फाइनली हो चुका, पूरा पक गया। अभी हम लोग खाना खाएंगे। हमें गैस को ऑफ कर देता हूँ। तो फाइनली पूरा रेडी हो गया, अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी पूरा तैयार हो गया, हम लोग खाना खाएंगे। ये है मूली और ये बैगन और क्या मिक्स मालूम नहीं, इस तरफ है पुदीना और मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ पहले। तो अभी मैं एक ले लिया इधर पुदीना और मिर्ची, इधर स्वर का मीट, जंगली स्वर का मीट। तो अभी मैं खाना स्टार्ट करूँगा। जंगली स्वर, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी मैं पुदीना खाऊंगा थोड़ा सा मिर्ची डाल के। यह है कुच्चू, बहुत ही टेस्ट हो गया। यह है पुदीना, पुदीना अगर तो ऐसे थोड़ा खाएगा। यह है लाल मिर्ची, ऐसे खाओगे तो विटामिन विटामिन होगा। तो गाइस इसका मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर करना। तो गाइस फाइनली खाना हो गया मेरा, अभी मैं हाथ धोने के लिए जाऊंगा। तो गाइस मेरा खाना हो गया, तो अभी थोड़ा बाहर आया हूं मैं हवा खाने के लिए। तो गाइस मेरा वीडियो आज का जंगली सुअर बनाना और खाना तक एंड तक जो जो देखा कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नया नया वीडियो आएगा तो देख लेना और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो इतना ही है, तो बाय बाय दोस्तों।